ओम नमः शिवाय जय महाकाल अगर आपको कर्ज की समस्या है या फिर आपको धन की समस्या है पैसों की समस्या है या फिर आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है या फिर आपकी ऐसी कोई भी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही एक बहुत ही छोटा सा उपाय है करके देखिएगा गुरु जी के द्वारा ही बताया गया है उसी को मैं सुन करके आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है यहाँ इस पेड़ पर पे मत जाइएगा क्योंकि ये मैंने पेड़ ले ऐसे लगा दिया गलती से पीपल का लग गया है आपको पीपल का पेड़ नहीं लेना है आपको वट वृक्ष का पेड़ लेना है मतलब कि बरगद के पेड़ पर जाना है ठीक है उपाय कैसे करना है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा लेकिन उससे पहले वीडियो को तुरंत करिए लाइक और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं अचानक से इस वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए ठीक है करना क्या है बहुत ही ध्यान से सुनिएगा आपको जाना है वट वृक्ष के नीचे कहां पर वट वृक्ष के नीचे यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे ठीक है फिर आपको क्या करना है आपको लेना है दही क्या लेना है दही ले लीजिएगा और वो जो दही होना चाहिए वो गाय के दूध का बना हुआ हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा ठीक है फिर क्या करना है एक बरगद के पेड़ के नीचे थोड़ा मैं पेड़ बना लेता हूँ ठीक है देखो इस तरीके से है तो मान लेते हैं बरगद का पेड़ है आपका क्या करना है इसके नीचे आपको एक शिवलिंग का निर्माण करना है आपको शिवलिंग को बनाना है दही से अगर मान लेते हैं दही से आपको बनाने में दिक्कत होती है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना लें ठीक है पार्थिव शिवलिंग बना लें और पार्थिव शिवलिंग बनाने के बाद उस पर दही की मात्रा ज़्यादा कर दें मतलब दही से पूरा लेप कर दें दही पूरा उस पर चढ़ा दें लगा दें मतलब कि दही की मात्रा उस पार्थिव शिवलिंग पर ज़्यादा होनी चाहिए ठीक है उसके बाद क्या करना है उसके बाद आपको एक बेलपत्री लेनी है क्या लेनी है बेलपत्री अब मान लेते हैं कि आपने शिवलिंग ऐसे बनाया है ठीक है और जो एक मिनट थोड़ा मैं अच्छे तरीके से बता दूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए जैसे मान लेते हैं कि ये पेड़ है ये बरगद का पेड़ है आपने इस पेड़ के नीचे शिवलिंग का निर्माण किया ठीक है फिर क्या करना है जो आपको बेल का पत्ता लेना है जो बेल पत्री जो लेनी है उस बेल पत्री की जो डंडी होनी चाहिए ना ये जो डंडी उस डंडी को आपको क्या करना है वो डंडी आपकी बरगद के पेड़ की तरफ होनी चाहिए जैसे समझाता हूँ कैसे ये मान लेते हैं शिवलिंग है अब इस शिवलिंग पे आप जो चढ़ा रहे हैं ना तो जो बड़ी वाली पत्ती है ना इस साइड हो उसके पे डंडी इस साइड होनी चाहिए और दोनों छोटी पत्ती इस साइड होनी चाहिए इस तरीके से आपको जो पार्थिव शिवलिंग आपने बनाया है उस पर आपको चढ़ा देना है ठीक है इतना आपने चढ़ा दिया चढ़ाते समय जो भी आपकी मनोकामना है जो भी कर्ज की समस्या जो भी पैसे की समस्या है उसका स्मरण करते हुए वट केश्वर महादेव का स्मरण करना है किसका एक बार और बोल रहा हूँ वट केश्वर महादेव का स्मरण करना है फिर से वट केश्वर महादेव का नाम लेते हुए ये आपको वहाँ पर चढ़ा देना है ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई अब आपके दिमाग में होगा कि ये शिवलिंग जो मैंने बनाया है और ये जो बेलपत्री है इसका हम क्या करें सुनिएगा ध्यान से जो बेलपत्री आपने चढ़ाई है ना उस बेलपत्री को आप अपने घर पर उठा करके ले जा कर के कहीं पर रख दें चाहे अच्छा पूजे वाले कमरे पर रख दें पूजा वाला जहाँ पर पूजा पाठ आप करते हैं वहाँ पर रख दें या फिर अपने ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर वो सुरक्षित रहे वो बेलपत्री को उठा के वहाँ पर रख दें और जो शिवलिंग का निर्माण आपने किया है उसको बहते हुए पानी में आप क्या करें विसर्जन कर दें ठीक है बस इतना ही काम आपको कर लेना है अब आपके दिमाग में एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन होगा हमेशा की तरह कि ये उपाय हम कौन से दिन करें देखो ये उपाय आपको सोमवार के दिन करना है कोई जरूरी नहीं कि सोमवार की अष्टमी पड़े या फिर कोई पड़े प्रत्येक सोमवार को आपको करना है कितने सोमवार पाँच सोमवार कम से कम पाँच सोमवार या फिर आप चाहें तो सात सोमवार भी कर सकते हैं इस उपाय को करिएगा निश्चित तौर पर आपको फायदा ज़रूर मिलने वाला है ठीक है लेकिन एक बात और आपको यहाँ पर बता दूँ बहुत ही ध्यान से समझना अभी सत्ताईस दिसंबर को या फिर छब्बीस को एक बार कैलेंडर देख लेना सोमवार की अष्टमी पड़ रही है उस दिन इस उपाय को जरूर करिएगा क्योंकि सोमवार की अष्टमी शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है तो ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है कि जल्दी हो जाए ठीक है तो ये मैंने बताने की आपको कोशिश की है उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी ज़रूर आया होगा तो मैंने थोड़ा सा जल्दी बताने की कोशिश की है क्योंकि मैं बाहर हूँ और आपको आगे पीछे से आवाजें भी आ रही होंगी जो ट्रक वगैरह जा रहे हैं तो मैंने जल्दी जल्दी बताने की कोशिश की है अगर आपको कुछ भी पूछना होना तो नीचे कॉमेंट में पूछिएगा आपको बताने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और हाँ आवाज़ पहली बार सुनते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो लाइक ज़रूर किया करिए बहुत ज़रूरत है आपके लाइक की आप लाइक करते हैं तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ मैंने जो मेहनत की है मैंने जो सुना है ढाई घंटे शिव महापुराण की कथा वो मेरा सफल हो गया ठीक है ओम नमः शिवाय जय महाकाल